हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम इन दिस फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। इन लास्ट वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट द ओहम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। टुडे वी हैव टू स्टडी अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो हमने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो इन ओहम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। जब सब फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शन में होता है डायरेक्टली। इसका अर्थ क्या है? इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, बट द आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? आर कॉन्स्टेंट होता है। अगर मटेरियल जो है उसका लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो टेम्परेचर सेम है तो। बट यहाँ पे एक सवाल है, अगर मैंने दो मटेरियल लिए हैं, दोनों का लेंथ जो है वो सेम है, दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता है? बट दिस टू वायर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। दिस वायर इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर। अब दोनों वायर जो है दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग। इसका आर वन होगा तो इसका आर टू होता है। तो जनरली सिल्वर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा और कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये क्यों होता है ऐसा? यहाँ पे तो ओम्स लॉ में पढ़ा है कि आर ये कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन आर कब कॉन्स्टेंट होता है? जब अब सिल्वर जो है उसका, इसके लिए क्या है, आर कॉन्स्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन दो अलग अलग वायर लिए हमने, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए रहते तो उनका रेजिस्टेंस ये अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन मटेरियल। द रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब देखिए, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब देखिए, हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ है 1 मीटर और दूसरा वायर लिया जिसकी लेंथ है 2 मीटर। दोनों मेडअप, दोनों भी है एक ही मटेरियल से बने, दोनों सिल्वर की वायर है, लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग है। इसकी है 1 मीटर और इसकी है 2 मीटर। अब दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम होता है या नहीं? नहीं, दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका अर्थ क्या है? मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस। लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होता है। इसका अर्थ यह है कि जिसकी लेंथ 2 मीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। देयरफॉर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड होता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे देखिए, हमने दो वायर लिए हैं, एक जो है उसका एरिया डायमीटर है 1 मीटर और दूसरा जो है उस, दोनों की लेंथ सेम है। नाउ द लेंथ इज सेम बट हैव द डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका डायमीटर है 2 मीटर, तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो यहाँ पे क्या बताया है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लार्जर द एरिया स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस। अगर एरिया कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या है, एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका अर्थ क्या है? तो ये सेकंड कंडक्टर जो है उसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोजिशन भी ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस मीन्स इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को अपोजिशन क्या होगा? ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोजिशन ज्यादा होगा, तो इससे कम, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो
कम होगा और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज्यादा बहता है। तो इसे हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हमें अभी पता चला है बाय इक्वेटिंग द रेजिस्टेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब इसे प्रोपोर्शनलिटी की साइन इसे निकालना है तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट है रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। आ गया समझ में? द रो जो है आर एच ओ रो, ये ग्रीक सिंबल है। ये क्या है? ग्रीक सिंबल है। जैसे हमने ओहम का सिंबल लिया था, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है और उसका सिंबल इस तरह से दर्शाया जाता है। और ये भी ग्रीक सिंबल है जिसे ओमेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमेगा। और ये जो है रो, इसे जो है लैटिन में रो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। दैट इज रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो रो बराबर क्या हो गया? तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। अब जो है हम इसका यूनिट निकालते हैं, रेजिस्टिविटी का यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी SI, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखिए R जो है, R का यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका यूनिट होता है एरिया का स्क्वायर मीटर। और लेंथ जो है इसका SI यूनिट है m। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओहम मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर अपॉन मीटर। तो मीटर मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा? SI यूनिट ऑफ रो मीन्स रेजिस्टिविटी ओहम मीटर। एंड दिस कैन प्रूव द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, हाउ विल यू प्रूव दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। तो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओहम मीटर। तो हमने ये यूनिट कहाँ से निकाला है? फ्रॉम द फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फार्मूला है आर ए अपॉन एल। तो हमने रेजिस्टेंस का यूनिट लिख दिया, एरिया का यूनिट लिख दिया, मीटर का लेंथ का यूनिट लिख दिया। यहाँ से हमें SI यूनिट मिलता है रेजिस्टिविटी, जिसका यूनिट है ओहम मीटर। सिंबल आपको याद रखना है ओहम मीटर। तो आ गया समझने? तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी इज डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। आ गया समझ में? दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आ गया समझ में? पहला तो डिफरेंस है सिंबल में। तो सिंबल जो है रेजिस्टेंस का आर है और रेजिस्टिविटी का रो है। देन दूसरा जो डिफरेंस है यूनिट में है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। इसका सिंबल क्या है? ओहम मीटर। तो रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट रेजिस्टिविटी does not depends on length and area of cross section। अब यहाँ पे जो material है, दो अलग अलग material, एक ही material है समझो, all are the silvers but they are having the same resistivity। therefore resistivity क्या होती है? the resistivity is the specific property of material and different materials have different resistivity। यानी कि silver अगर है तो silver की wire इसकी length कितनी भी लीजिए उसकी resistivity क्या रहेगी? same रहेगी, क्योंकि हर एक material की resistivity क्या होती है? constant होती है। अब यहाँ पे देखिए resistivity क्या है? constant है। the resistivity is the material specific।
तो रेजिस्टिविटी को क्या कहेंगे, इट इज मटेरियल स्पेसिफिक, द रेजिस्टिविटी इज मटेरियल स्पेसिफिक, बट द रेजिस्टेंस इज नॉट मटेरियल स्पेसिफिक बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, एंड रेजिस्टिविटी इज मटेरियल स्पेसिफिक क्योंकि अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती। अब यहाँ पे जैसे आप तीन चार देख पा रहे हैं, पहला जो है वो कंडक्टर का है जिसमें रेजिस्टिविटी जो आप देख पा रहे हैं रेजिस्टिविटी कम है, दूसरा है एलॉय इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, और तीसरा जो इंसुलेटर है इनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब रेजिस्टिविटी अगर कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर जो है उनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड होता है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है यहाँ पे, तो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू से पता चलता है कि सिल्वर जो है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट